कंप्लेंट्स पिछले साल अक्टूबर महीने में दाखिल हुआ था NRI पुलिस स्टेशन में, जिसका इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू था। उस इन्वेस्टिगेशन में हमने 6 गिरोह का भांडा फोड़ दिया है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बेसिकली ये सारे कोल्हापुर के रहवासी हैं और ये कोल्हापुर के ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने का काम करते थे। 2-3 लोग कोल्हापुर से लोगों को नौकरी का बहाना देके इन लोगों ने स्थापित किया हुआ नई मुंबई का एक ऑफिस है, ऑफिस में भेजते थे। वहाँ ये स्नेहा सातपुते करके लेडी है जो अंग्रेजी अच्छी तरह से बात करती है, वो अपॉइंटमेंट लेटर अपने खुद लैपटॉप पर टाइप करके लोगों को देते थे। ये 6 कोल्हापुर के रहवासी है, इनमें से एक लेडीज़ है, 6 को गिरफ्तार किया है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया गया, उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने और 20-25 लोगों को इसी तरह से झांसा दिया है। वो अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद जिससे पैसा लिया उसको एक काम नहीं होने के बाद वो एक 5 लाख लिया हुआ तो 2 लाख वापस करते थे, 3 लाख का पोस्ट डेटेड चेक देते थे और पैसा उनको वापस कभी नहीं देते थे। और लोग आशा करते थे कि अगले महीने हमको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। इनके घरों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात, हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी सीज़ किए हैं, जिसमें सारे BMC और नई मुंबई महानगर पालिका के संदर्भ में लेटर्स हैं। हम ढूंढ रहे कि इसके बावजूद इन लोगों ने और कितने लोगों को इस तरह का झांसा दिया है। 6 से 6 आरोपी का, उनमें से 3 लोगों का पहले रिकॉर्ड है, गुनहगारी रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर कोल्हापुर के राजारामपुरी, शाहूपुरी और करवीर पुलिस थाने में गुने दाखिल है। इस गिरोह का टोली का सबसे इम्पोर्टेंट मास्टरमाइंड जयसिंह पाटिल करके है, जिसके ऊपर 138 के बहुत सारे केसेस कोल्हापुर में पेंडिंग है। इसके बावजूद वो स्नेहा सातपुते जो लेडी है उसके ऊपर भी ये 3 पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल हैं, जो अभी एक करवीर पुलिस स्टेशन के ऑफेंस में जेल में थी। जेल से हमने ट्रांसफ़र वारंट लेके उसको इसमें गिरफ्तार किया। 6 गिरोह को आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। अभी तो 2 लोगों का कंप्लेंट हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि उनके घर में जो कागजात मिले वो कागजात के छानबीन करने के बाद पता चलता है कि 20 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ठगा है। देश में ऐसे हर नए नए कांड होते रहते हैं। हम यही अपील करते हैं नए नए बच्चों को कि आप विदाउट वेरिफिकेशन किसी के पास ऐसा पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा देके, एडवांस पैसा देके कहीं भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लगती। गवर्नमेंट की नौकरी मिलने की अलग तरीका होता है, प्रोसेस होता है। तो आप किसी अच्छे आदमी से या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से पता करने के बाद ही ऐसे लोगों के संपर्क में आए। अगर आपको ऐसा कोई आदमी इस बारे में आपको कुछ नौकरी देने की बात करता है तो आप तुरंत पुलिस के पास आना चाहिए और पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। 25 दिसंबर की रात को एक जवान लड़की वाशी रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पे बैठी नई मुंबई के वाशी पुलिस स्टेशन के नाइट राउंड ऑफिसर्स को मिली। पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन में लाया गया। वो 2-3 दिन उन्होंने खाना खाया नहीं था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तपास करने के बाद पता चला कि वो वेस्ट बंगाल से अपनी अज्जी से झगड़ा करके यहाँ आई थी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं था। तो पुलिस ने उसका एक दिन का इंतज़ाम पुलिस स्टेशन में करने के बाद दूसरे दिन भार्गवी चैरिटेबल ट्रस्ट खारगर सेक्टर 12 में उसका रहने का इंतज़ाम किया। दरमियान की कालावधि में हमारी पुलिस टीम ने वेस्ट बंगाल पुलिस से संपर्क किया, जहाँ उनका मिसिंग कंप्लेंट ऑलरेडी दाखिल था। वो मिसिंग कंप्लेंट से पता चला उसका फादर एंड मदर का एड्रेस अवेलेबल करा गया और उनके फ़ोन नंबर से उनको संपर्क करके उनको यहाँ आने का भी इंतज़ाम कर दिया। ये जवान लड़की को अपने माँ बाप के हवाले, कल वाशी पुलिस स्टेशन ने उनके माँ बाप के हवाले कर दिया है। नई मुंबई पुलिस को खुशी है कि एक लड़की की जान और उसके साथ कोई बर्बरता न होने के पहले ही उसको अपने माँ बाप के हवाले कर दिया। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।